खाना खाना सबके लिए ही जरूरी होता है। बिना खाना खाए इंसान एक दिन रह सकता है कम से कम, पर क्या आप बहुत दिनों तक बिना खाना खाए रहने का सोच भी सकते हैं क्या? ऐसा करेंगे तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी और रोज के रूटीन काम करने के लिए एनर्जी नहीं रहेगी। इसीलिए आप सभी ने सुना ही होगा कि खाना जरूरत हो उतना ही ले और वेस्ट ना करे खाने को। पुराने जमाने में खाना खाने के कुछ रूल्स होते थे जो स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते थे, जैसे कि खाने से पहले प्रेयर बोलना, खाते वक्त क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना और खाते वक्त बात नहीं करना। और इन सब रूल्स के पीछे कोई ना कोई रीजन तो होता ही है, पर बदलते जमाने के साथ ये कुछ आदतें भी पुरानी हो गई है। जैसे कि अभी डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाया जाता है, सब घर में खाने से पहले प्रेयर बोलने की आदत अब नहीं रही है और कुछ रूल्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही जानकारी देंगे जो खाना खाते वक्त आपको करनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूले। सिट क्रॉस्ड लेग। क्रॉस्ड लेग यानी कि सुखासन पोजीशन में फ्लोर पे बैठना जॉइंट्स के लिए बेस्ट थेरेपी होती है। जब आप इस पोजीशन में बैठते हैं तब आपका स्पाइन अलाइन रहता है और प्लेविक जॉइंट्स ओपन होते हैं, जिससे वो स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इस वजह से ये प्रेयर्स और मेडिटेशन में भी बहुत ही प्रेफर्ड पोजीशन है। जब स्पाइन स्टेबल रहता है तब हाइट ग्रोथ भी प्रॉपर होती है और मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। क्रॉस्ड लेग बैठने से खाते वक्त पेट में ब्लड फ्लो प्रॉपर होता है, जिससे डाइजेशन इजीली हो जाता है। स्विच ऑफ। खाना खाते वक्त क्या खा रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन होना जरूरी होता है, इसीलिए खाते वक्त टीवी देखने से खाना खाने में ध्यान नहीं रहता और हम खाना ठीक से खाते नहीं है। एब्सेंट माइंड में हम कभी कभी ज्यादा खाना खा लेते हैं या फिर ठीक से चबा के नहीं खाते हैं, जिस वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है और ज्यादा खाने से वेट भी बढ़ सकता है। इसीलिए खाना खाते वक्त मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी या कोई भी चीजें ना देखे। स्विच ऑन योर सेंसेस। आजकल के मॉडर्न टाइम में हाथ से खाना खाने की आदत बहुत लोगों की नहीं रही है। मोस्टली लोग स्पून और फोक्स ही यूज करते हैं, पर हाथ से खाना खाने से ह्यूमन फूड की स्मेल आती है, जिससे खाना और भी टेस्टी लगता है। और हाथ से खाना खाते हैं तब आप खाना धीरे धीरे चबाते हैं और उसकी टेस्ट एंजॉय करते हैं। हमारे बॉडी में लेप्टिन नाम का हार्मोन होता है जो ब्रेन को सिग्नल देता है जब हमारा पेट फुल हो जाता है। तो ये थी कुछ आदतें जो आपको खाना खाते वक्त फॉलो करनी चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ फिट रहे और खाने को आप एंजॉय कर सके। अगर आप ये आदतें फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आप हमेशा के लिए फिट भी हो सकते हैं। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।